17 नवंबर को होने वाले विधानसभा में अब चंद दिन बचे हैं। ऐसे में सभी प्रत्याशियों ने अपने जनसंपर्क की रफ्तार भी तेज कर दी है। इंदौर की विधानसभा 3 में कांग्रेस ने दीपक पिंटू जोशी को अपना प्रत्याशी बनाया है। विधानसभा चुनाव को लेकर अब सरगर्मी तेज हो चुकी है। इंदौर में विधानसभा 3 में कांग्रेस ने दीपक पिंटू जोशी पर भरोसा जताते हुए उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस प्रत्याशी पिंटू जोशी सतत अपनी विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं। विधानसभा 3 के वार्ड क्रमांक 64 में जनसंपर्क करने पहुंचे दीपक पिंटू जोशी का कहना है कि इस क्षेत्र में कांग्रेस के कार्यकाल में काफी काम हुआ था, लेकिन बीजेपी द्वारा विधानसभा में कोई विकास का काम नहीं किया। देखिए, आज वार्ड क्रमांक 64 है। वार्ड क्रमांक 64 वो है जो जब तक कांग्रेस के पास रहा, कांग्रेस ने खूब काम करे। पार्षद अरविंद बागड़ी जी, दिनेश कुशवाहा जी, पारस बुलाना जी और हमारे जितने भी साथी संगी, सुजीत शर्मा जी, जितने भी साथी संगी, इनके माध्यम से आज जनसंपर्क हो रहा है। और पिछले 20 साल में कांग्रेस पार्टी जब विपक्ष में रही और बीजेपी सत्ता में रही तो इन क्षेत्र का बड़ा काम नहीं हुआ। आज भी कूपन से लेकर सड़क नाली ड्रेनेज तक लोग परेशान हैं। जो काम पुराने किए गए कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए, अब लोगों में विश्वास जागा है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही तो हम गरीबों का काम होगा। और कांग्रेस वैसे भी बस्ती और गरीबों के लिए एक विशेष महत्व और प्रेम रखती है। प्रयास रहेगा हमारा कि हम हर आदमी का सम्मान करें, क्षेत्र के लोगों का विकास करें और उनके दैनिक जीवन को थोड़ा आसान कर पाए, जिससे कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार जिताने पे जो उन्होंने योगदान दिया है उसके बदले हम उनका ऋण चुका पाए। कई सड़कें, कई ड्रेनेज, कई बिजली के गंदा पानी, उसके बाद में अवैध वसूली, उसके अलावा क्षेत्र में कह सकते हैं कि सामुदायिक भवन की होने की कमी, लोग मौत मैयत में कहीं कार्यक्रम नहीं कर पाते, ऐसी बहुत सारी समस्या है। और कुछ बस्तियों में तो लगता ही नहीं कि हम स्वच्छता में नंबर वन है। तो आपसे भी मांग करी हुई कि किस तरीके से सीधी बात है, हम वही वादा करते हैं जो हम निभाएंगे। आज तक हम चलते चलते वो बात करते आ रहे हैं जो पूर्व में किए गए हैं, ये आगे हम करेंगे। जैसे जिन सड़कों पर अपन खड़े हैं, ये पूर्व में अरविंद बागड़ी जी द्वारा बनाई गई, उसके आगे कभी बननी ही नहीं पाई। उल्टा भाजपा ने एक नया काम चालू कर दिया है कि कांग्रेस द्वारा बनाई गई सड़कों को खोदना चालू कर दिया है, ताकि जो जनता याद रखती थी कि हमने सड़कें बनाई है वो जनता भूल जाए। लेकिन जनता नहीं भूलने वाली, जो अच्छा आदमी काम करेगा वो सदैव पूजाएगा।